राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को अपनी और जनता की ओर से मैं बहुत दुखी मन से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। वे इस देश के महान स्तंभ थे, प्रतिष्ठा और मर्यादा के प्रतीक थे। उनके विचार ऊंचे थे और उन्होंने देश की सेवा निष्ठा से दीर्घकाल तक की। हिंदुस्तान के पांचवें सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद साहब उन अजीम हस्तियों में से थे जिनकी वजह से पूरी दुनिया में मुल्क कौम का वकार बुलंद हुआ। वो नहायत दर्दमंद, मुनकसिर मिजाज, इंसान दोस्त और बाखलाक इंसान थे। वो सियासतदान भी थे और मुदब्बिर भी, मुकर्रर भी थे और इंतजामी सलाहियतों के मालिक भी। वो गरीबों और कमजोरों के हमदर्द और बेसहारों का सहारा भी थे। कौमी यकजहती के लिए उम्र भर जिद्दोजहद करते रहे और जिंदगी का बड़ा हिस्सा कौम की खिदमत में गुजारा। आप लोगों से कहा गया था कि वो देखें टीवी, वो आपने देखा, पसंद हुआ और अभी थोड़े दिन के लिए तो शायद आप लोगों को देखना न मिले, लेकिन फिर हम गवर्नमेंट कोशिश करके किस तरह से जल्दी सिर्फ आप लोगों के गांव में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में तमाम गांवों को इस किस्म की सहूलियत दी जाए, उसके लिए कोशिश करेंगे। के इंतकाल को हुए काफ़ी साल हो गए हैं। 1977 में इंतकाल हुआ था। उस ज़माने में मैं अमेरिका में था और उन उससे जो पहले जो साल थे काफ़ी मैंने उनके साथ गुजारे हर तरह के। अच्छे इंसान, अच्छे लीडर, अच्छे पार्लियामेंटेरियन और एक बहुत ही अच्छे सुलझी तबीयत के प्रेसिडेंट हमारे मुल्क के थे। देश के लिए सोचते थे, भारतवर्ष के लिए सोचते थे, उत्तर पूर्व भारत के लिए सोचते थे, आसाम के लिए सोचते थे और इसी में जीवन दे दिया उन्होंने, अपना पूरी जिंदगी लगाई। फखरुद्दीन साहब के वालिद जुन्नूर अली अहमद साहब गोलाघाट आसाम में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की, कोलकाता से MBBS किया और मजीद तालीम के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। चुनाचे 1870-71 में उन्होंने एडिनबरा यूनिवर्सिटी से MD की डिग्री हासिल की और 1872 में इंडियन मेडिकल सर्विसेज के मुसाबकती इम्तहान में कामयाब हुए। उनकी वालिदा अजीम शायर गालिब से करीबी निस्बत रखती थी। फखरुद्दीन साहब की वालदा उस घराने से थी जो लोहारू का था और लोहारू के घराने की गालिब के साथ जो ताल्लुक और निस्बत है वो हम सब जानते हैं। के वालिद शिलोंग के बहुत बड़े आदमी थे, असामी। जब उन्होंने फखरुद्दीन की वालदा से शादी के का प्रपोज़ल तजवीज़ रखी तो फखरुद्दीन की माँ ने कहा कि एक शर्त पे मैं शादी कर सकती हूँ कि मैं असम नहीं जाऊँगी, मैं दिल्ली में रहूँगी, वो चाहें तो दिल्ली आ जाएं, आते रहें और तो मुझे तो उन्होंने फिर भी मंजूर कर लिया और शादी कर। दिल्ली में जुन्नूर अहमद साहब की रहाइश 16 नंबर कोठी दरियागंज में हुआ करती थी। फखरुद्दीन अली अहमद साहब इसी कोठी में 13 मई सन 1905 में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। वालिद का तबादला गोंडा हुआ तो उनका दाखिला गोंडा गवर्नमेंट हाई स्कूल के चौथे दर्जे में कराया गया। जुन्नूर अली अहमद साहब रिटायर होकर दिल्ली आए तो फखरुद्दीन साहब का नाम कश्मीरी गेट गवर्नमेंट हाई स्कूल में लिखवाया गया। स्कूल की तालीम मुकम्मल कर लेने के बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज में दाखिला हासिल किया, मगर चंद महीनों के बाद आला तालीम की गरज से इंग्लैंड चले गए।
जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट कैथरीन कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की, फिर लंदन के इनर टेंपल से बारेट लॉ की डिग्री लेकर हिंदुस्तान वापस आए। फखरुद्दीन की भी सेंट स्टीफन्स कॉलेज में नूरुद्दीन अहमद और लाला शामनाथ के साथ तालीम और तरबियत हुई थी, मगर फिर ये वहीं आसाम में बाप के साथ रहे। फखरुद्दीन साहब हिंदुस्तान आने के बाद पंजाब हाई कोर्ट में वकालत शुरू करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से इरादा बदल गया और कोलकाता चले गए। वहां सन 1932 से 1934 तक प्रैक्टिस की। वहीं उनकी मुलाकात मौलाना अबुल कलाम आजाद से हुई। वकालत के साथ साथ खुलकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे। 1940 में फखरुद्दीन साहब ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया और गिरफ्तार होकर एक साल तक जेल में रहे। रिहा होने के बाद जल्द ही फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार वो अप्रैल 1945 तक यानी 3.5 साल कैद फिरंग में रहे। शुरू ही से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वो थे मेंबर, और काफ़ी उनका प्री इंडिपेंडेंस से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस तक भी काफ़ी शुरू ही से कांग्रेस और फ्रीडम स्ट्रगल उसका चलता रहा। उस ज़माने में एक नौजवान सियासतदान थे हमारे फखरुद्दीन अली साहब, और उनका फ़र्ज़ बना कि जो पार्टीशन का हंगामा हुआ था, जो तकसीम का हंगामा हुआ था, उसको पीछे डालकर सारे जो समुदाय हैं असम के और भारत के, वो एक साथ रहने के लिए इंतज़ाम करें। और इसके बावजूद कि पाकिस्तान एक इस्लामीय देश बन चुका था, कि हिंदुस्तान को एक सेक्युलर देश कायम रखे, और इस काम में उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की, खास तौर पर असम में। इस वक्त तक फखरुद्दीन साहब जवाहरलाल नेहरू के काफी करीब आ चुके थे। जवाहरलाल नेहरू उनसे काफी मुतासिर थे। फखरुद्दीन अली अहमद साहब की शादी 9 नवंबर 1945 में आबेदा हैदर साहिबा से हुई। आबेदा हैदर उर्दू के मशहूर अदीब सुल्तान हैदर जोश की साहिबजादी थी। आबेदा साहिबा ने अलीगढ़ से बीए किया था। उन्हें फनून लतीफा से खास लगाव था, खुसूसन मुसव्वरी में उन्होंने काफी महारत हासिल कर ली थी। ड्रामे में भी उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। बेगम साहिबा के साथ, फखरुद्दीन साहब की वाइफ के साथ भी मेरा अच्छा रिश्ता रहा। हम लोग एक इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में साथ काम किया हमने, तो वो पूरी फैमिली ही बहुत अच्छी है। 1946 में उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की वर्किंग कमेटी का रुकन नामजद किया गया। इसी साल वो सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर बने और ये मेंबरशिप 1947 तक कायम रही। 1957 और 1962 के आसाम असेंबली इलेक्शन में उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की और उन्हें वजारत कानून, मालियात, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचायत और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। अब उनकी शोहरत आसाम के मर्द आहन के तौर पर पूरे मुल्क में हो गई। आसाम के में उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, बहुत बड़ा व्यक्तित्व, और सभी वर्ग के लोग उनकी बड़ी आदर करते थे। हम लोग को लगता था कि आगे भी काफ़ी ऊंचाई पर जाएंगे, बड़े ओहदों पर जाएंगे, और वही हुआ। आसाम की सियासत में उनका एक अहम रोल था। बारपेटा की नुमाइंदगी वो करते थे। उसके बाद इंदिरा गांधी साहिबा ने उनको मरकज़ में बुला लिया। जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी ने उन्हें मरकजी हुकूमत की कैबिनेट में ले लिया। इंदिरा गांधी फखरुद्दीन साहब की समझदारी और खुलूस से बहुत मुतासिर हुई
और इस बार उन्हें वजीर ज़राअत बनाया। मरकज में उन्होंने वजीर खुराक के रूप में, सनती सनतों के वजीर के रूप में, औकाफ के वजीर के रूप में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। नेशनल पॉलिटिक्स को आने के बाद उनका कंट्रीब्यूशन सारी दुनिया के, सारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, ख़ासकर अक़लियतों के जो मसाइल हैं उन पर उनकी एक बहुत ही दिलचस्पी थी और उनको हल करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इतना ईमानदार आदमी और इतना अच्छा काम करने वाला आदमी नहीं देखा। फखरुद्दीन साहब ने जो जिस तरह काम करते थे और जिस ईमानदारी और जिस ऑनेस्टी के साथ उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री चलाई, इसीलिए इंदिरा गांधी उनको बहुत मानती थी। इंदिरा गांधी उनसे उनको बहुत ही, उनकी बात की बहुत अहमियत समझती थी और उनको बहुत ही कॉन्फिडेंट के थे, इसलिए इस क्रूशल वक्त में उनको प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने चुना था। वीवी गिरी साहब 24 अगस्त 1974 को अपनी 5 साल की मुद्दत कार पूरी करके सुबुकदोश हुए और नए सदर के इंतखाब का मरहला आया तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से फखरुद्दीन साहब सदर जम्हूरिया हिंद के ओहदे के उम्मीदवार नामजद हुए। इंतखाब अमल में आया, फखरुद्दीन साहब को 60% वोट मिले। फखरुद्दीन अली साहब ने 24 अगस्त 1974 को सुबह 9 बजे हिंदुस्तान के 5वें सदर जम्हूरिया की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ लिया। मुल्क के अजीम तरीन ओहदे पर फायज होने के बावजूद गुरूर उन्हें छूकर भी नहीं गुजरा था, हर एक की उन तक पहुंच थी। यही वजह है कि हिंदुस्तान के तमाम फिरकों के लोग उनसे मोहब्बत करते थे। वो बहुत ही हमदर्द शख्सियत थे, लोगों के साथ बड़ी खुश असलूबी से मिलते थे और शफ़क़त से मिलते थे। परिवार का जो संस्कार था, कल्चर था, जो तहजीब उन लोगों में थी, वो काबिले तारीफ। मैं आपको बताऊं, फखरुद्दीन साहब की शख्सियत में एक और बड़ी खूबी थी कि वो इंतहाई दीनदार शख्सियत के मालिक थे और उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया था अपने मजहबी फ़राइज़ की अदायगी का, उसमें उन्होंने किसी तरह की कभी न कमी आने दी न किसी तरह की झिझक का वो किया। मिसाल के तौर पे वो जब मरकजी वजीर थे उस वक्त से लेकर वो हमेशा जुमे की नमाज पढ़ते रहे पार्लियामेंट की मस्जिद में। वो ईदगाह में नमाज पढ़ने आते थे, नमाज के दौरान किसी शख्स ने उनकी जेब से उनका पर्स निकाल लिया, किसी ने उसको देख लिया, उनसे कहा तो उनका नहीं, शायद उसको ज़रूरत होगी, उसको ले जाने दीजिए, शायद इससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, मैं फिर कुछ और इंतज़ाम कर लूँगा। लेकिन उन्होंने उसका कोई दखल जो है ऐसा नहीं किया कि गिरफ़्तार हो जाए या हो जाए, उनका नहीं, उसको जाने दो। फखरुद्दीन साहब लोगों के काम आते थे, मोहब्बत से मिलते थे, उनके दरवाज़े हर पुकारने वाले के लिए, परेशानी का शिकार के लिए हर वक्त खुले रहते थे। फखरुद्दीन अली अहमद साहब और उनकी बेगम साहिबा दोनों ही, हज़रत नामुद्दीन औलिया और हज़रत नामी औलिया के चहीते मुरीद हज़रत अमीर खुसरो से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखने वाले लोगों में से थे।
फखरुद्दीन साहब को खेलों से काफी दिलचस्पी थी। जब कभी उन्हें जरा सी भी मोहलत मैसर आ जाती, बड़ी खुशी से तफरीहात में हिस्सा लेते। टेनिस, हॉकी और गोल्फ के वो अच्छे प्लेयर थे। पुराने ज़माने में जब वो कैम्ब्रिज में थे तो वो कैम्ब्रिज टीम के, कैम्ब्रिज जो ब्लू कहते हैं हॉकी टीम के, वो मेंबर थे। उस ज़माने वो हमें बताते थे कि वो जाके नेशनल टीम्स जो थी छुट्टियों में, जैसे डेनमार्क की हो या जर्मनी की हो या फिनलैंड की हो, उनको जाके कैम्ब्रिज की टीम हराती थी उनको। क्रिकेट कमेंट्री सुनने और मैच देखने में उन्हें खास दिलचस्पी थी। वो 1967 में ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी मुंतखब हुए। छोटी उम्र में उनके साथ गोल्फ खेलना शुरू कर लिया और शिलोंग क्लब में हर इतवार को जब वो खेलते थे तो मैं उनके साथ जाता था। उससे हमारी भी आदत पड़ गई कि हमने भी गोल्फ स्टार्ट कर लिया और वो भी टेनिस के बड़े शौकीन थे तो टेनिस भी हमने स्टार्ट कर लिया। तो वो सारी, तो हमारे बचपन जो था वो स्पोर्ट्स के तरफ से, एजुकेशन के तरफ से, हार्ड वर्क के, माने वो रोल मॉडल थे। फखरुद्दीन अली अहमद साहब के दूसरे साहिबजादे बदर दुर्रेज अहमद दिल्ली हाई कोर्ट में जज के ओहदे पर फायज हैं। साहिबजादी समीना शाहीन और उनके शौहर आफताब अहमद खान डॉक्टर हैं। फखरुद्दीन साहब उर्दू को मुश्तरका तहजीब का विरसा तसव्वुर करते थे। उनका कहना था कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं, बल्कि इसकी तश्कील में हिंदुओं और मुसलमानों का बराबर का हिस्सा है। फखरुद्दीन साहब ने अपने जो खानदानी निस्बत थी लोहारू से और गालिब से, उसका भी एक हक अदा करने की कोशिश की और उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने 1969 में जब वो मरकज में वजीर थे, वो गालिब की सदी तकरीबात का ज़माना था और ये फखरुद्दीन साहब थे जिन्होंने एक महवरी हैसियत अदा की और मरकजी किरदार अदा किया उस ज़माने में ऐवान गालिब जैसे इदारे के क़याम में, और गालिब इंस्टीट्यूट उनकी कोशिशों से वजूद में आया और गालिब इंस्टीट्यूट में गालिब अवार्ड जो थे वो इंस्टीट्यूट किए गए। जब गालिब सेंट्री बनाई जा रही थी उस वक्त वो उसके सेक्रेटरी थे, जो ऑल इंडिया गालिब सेंट्री कमेटी बनाई गई, उसकी चेयरमैन इंदिरा गांधी जी थी जो ज़माने वज़ीर आज़म थी। तो उस वक्त इन्होंने इसको, इसकी बुनियाद रखी। सेंट्री ने बहुत बड़े पैमाने पर सेमिनार किया, जलसा किया, मुशायरा किया, तस्वीरों की नुमाइश लगाई। जब ये ऐवान गालिब की बुनियाद पड़ने लगी तो ज़ाकिर साहब, यूसुफ हुसैन खां, आले अहमद सरूर, कर्नल बशीर सैदी, फखरुद्दीन आबिदा जी के साथ दिन रात मैं भी लगा रहा। गालिब इंस्टीट्यूट का क़याम उनका ऐसा कारनामा है जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने इस इदारे को कायम करके अजीमुशान खिदमत अंजाम दी। के अदारों की बुनियाद वही लोग डाल सकते हैं जो पुरखलूस हों, जिनका अपना कोई एजेंडा न हो
और जिनके मिजाज में एक तरह की लताफत भी हो, ताकि वो अदब और फ़न के सिलसिले में जो चीज़ें हैं उनको फ़र्ग दे सकें। फखरुद्दीन साहब उस हिंद ईरानी तहजीब के अलमबरदार थे जिसकी तश्कील हिंदुओं और मुसलमानों ने 1000 साल में की थी। उनकी शख्सियत को पुरकशिश बनाने में सेक्युलर नज़रियात का बड़ा हाथ था। उनका सेक्युलरिज्म दिखावे का या सियासी मसलहतों का पैदा करदा नहीं था, बल्कि ये उनका अकीदा और ईमान था जिस पर वो ता उम्र कायम रहे। वो तमाम मजाहिब का एहतराम करते थे, लेकिन कभी मजहब की बुनियाद पर इंसानों में तफरीक नहीं की। अपनी एक तकरीर में उन्होंने कहा था, हमें हिंदुस्तानी आवाम को हिंदुओं और मुसलमानों में नहीं, गरीबों और अमीरों के खानों में तकसीम करना चाहिए। यही नुक्ता नज़र अपनाने से हम अपनी कौम की सच्ची खिदमत कर सकते हैं। अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी इस पर अमल पैरा होकर पायदार कौमी इत्तेहाद कायम किया जा सकता है। वो महज सियासतदान नहीं थे, बल्कि वो आज़ाद हिंदुस्तान में मौलाना रफ़ी अहमद क़िदवाई और मौलाना आज़ाद के बाद हिंदुस्तान की सेकुलर जमहूरियत में मुसलमानों का सबसे रोशन चेहरा थे। सेकुलरिज्म के सख्त हामी थे और उनकी हमेशा कोशिश रही कि मुसलमानों को तालीम के मैदान में आगे करें। लिहाजा वो हर वो चीज़ को, हर वो प्रोजेक्ट को जो तालीम से मामला जुड़ा हुआ रहता था, पूरा इंकरेज करते थे। तुमने क्या सीखा ज़रा बताओ तो सही। और खिलौने बनाने बताई हैं। अच्छा, अब वो कुछ मशीन वगैरह का काम सिखाया, किस तरह से कार चलती है या एरोप्लेन चलता है ये सीख। बोलो साहब, क्या सीखा, क्या सीखा तुम टेलीविजन में? योगासन सीखे। अच्छा बताओ क्या सीखा। ये दूसरी बात है कि राष्ट्रपति भवन में वो बहुत बड़ा अरसा नहीं गुजार सके, और वहीं पर जब वो एक गैर मुल्की दौरे पे गए हुए थे वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो लौट कर आए तो एक तरह से इस दुनिया से जा चुके थे। और हिंदुस्तानी सियासत का एक दौर फखरुद्दीन साहब के साथ ख़त्म हो गया। ग्यारह फरवरी को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 8:52 पर यह अजीमुशान इंसान खुदा को प्यारा हो गया। फखरुद्दीन अली अहमद साहब की वफात से हिंदुस्तानी आवाम और हुकूमत को बहुत सख्त नुकसान पहुंचा है। हम एक दानिशमंद मुशीर और एक अजीम इंसान से महरूम हो गए हैं, जो इंसान दोस्ती और इज्ज़ो इंकसार की रिवायत का बेहतरीन नमूना था। पार्लियामेंट हाउस के सामने, पार्लियामेंट स्ट्रीट और रेड क्रॉस रोड के कॉर्नर पर वो उनकी कब्र, एक दरगाह है और वहाँ उनकी कब्र आता रहे, समझे, वहाँ हमने उनको दफन किया। सदर जम्हूरिया बहुत हुए और आइंदा भी होंगे, मगर इस कदर हुब्बुल वतनी, सादगी और दर्दमंदी से जिंदगी गुजारने वाला शायद ही कभी इस ओहदे को नसीब हो। फखरुद्दीन अली अहमद साहब की शख्सियत के बुनियादी अनासिर आने वालों के लिए नई बसीरतों का पेशखेमा साबित होंगे। दस्तूर ज़माना तो यही रहा है कि जो ज़िंदा होते हैं और जिसको इख्तदार पे अल्लाह रखता है और जिस कुर्सी पे रहते हैं सारी दुनिया उसी को सलाम करती है, लेकिन बाज़ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि वो मरने के बाद भी जो है अल्लाह के फजल करम से अल्लाह उनके नाम को और उनके काम को जारी रखने के लिए कोई ना कोई रास्ते पैदा फरमा देता है। और इस तरह से फखरुद्दीन साहब जो हैं उनकी याद जब भी आती है तो लगता है कि एक शरीफ नफ्स इंसान का शरीफ शरीफाना चेहरा इंतहाई सकाहत
और इंतहाई तहजीब के शाइस्तगी के पैकर के रूप में सामने आता है। ऐ के तू तामीर मुल्को कौम का सालार था, कार बदलो कार साजो साजे अरसए गुलजार था, गंगा जमनी खुशनुमा कैसा तेरा किरदार था, जिस जुए इल्म फन में काशिफ़े असरार था, तू के था हम दर से बज़मे काजिये अब्दुल वदूद, नस्ल उर्दू का भी तू एक आशिक़े दिलदार था, ए असदुल्लाह गालिब के नवासे अकरबी, तू खुमिस्ताने तकद्दुस का अजब मैखार था, डॉक्टर के घर मसीहा कौम का पैदा हुआ, रफ्ता रफ्ता सरफरोशों में वही जर्रार था, अपनी खुशखुल्की से सदरे हिंद तू दुरबार था, हकीकत में सदा ही नूर का मीनार था, कब्र में तुझको उतारा हमने जाने किस तरह, कब्र में तुझको उतारा हमने जाने किस तरह, किस कदर दिल दोस्त तेरा आखिरी दीदार था, किस कदर दिल दोस्त तेरा आखिरी दीदार था।